सब्सक्राइब कीजिए जे विजुअल एफेक्ट्स को और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी और आज मैं लेके आया हूँ EDS बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर शो हो रहे आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हम जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे सेम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेट करके वीडियो रेंडर कर सकते हैं, सिर्फ इतना पार्ट हम रेंडर कर सकते हैं। आज हम मार्कर से आगे को बताएंगे। मार्कर में सेट इन पॉइंट सेट आउट पॉइंट ये आपने सीख लिया है। इसको दो तरह से आप और कर सकते हैं, एक तरह और एक तरीका और है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके सेट इन पॉइंट और कर्सर लास्ट एंड में ले जाके सेट आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। और एक और तरीका है, शॉर्टकट है आई प्रेस करके इन, ओ प्रेस करके आउट। तो इस तरह से आप सेट इन पॉइंट आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये सेट ऑडियो इन पॉइंट सेट ऑडियो आउट पॉइंट। इसमें आप सिंपली यहाँ पे ऑडियो में भी सेट कर सकते हैं अगर आपकी ऑडियो चल रही है तो। ये अभी ओपन नहीं क्योंकि हमारे वीडियो है, फुटेज है। इसके बाद हम देखेंगे सेट इन आउट पॉइंट टू सिलेक्टेड क्लिप। इसका यूज़ करने के लिए हमें कोई एक क्लिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे इस तरह से हमने इसको ड्रैग करके इधर ले लिया, ये क्लिप सेलेक्टेड है। अभी हम मार्कर में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस क्लिप को स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद ऑप्शन है क्लियर इन पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो जो इन पॉइंट है वो हट जाएगा। इसके बाद है क्लियर आउट पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आउट पॉइंट भी हट जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है क्लियर इन आउट पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पॉइंट एक साथ हट जाएंगे। इसके बाद है गो टू इन पॉइंट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो कर्सर है वो इन पॉइंट पर आपके पहुंच जाएगा। इसके बाद है गो टू आउट पॉइंट पर क्लिक करके सेम ये आउट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है एड मार्क, अगर आप मार्क ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप सिंपली एक मार्क ऐड कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एड मार्क टू इन आउट पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो सेलेक्टेड वीडियो है जो इन आउट पॉइंट सेट है वहाँ पे आप दोनों तरफ मार्क ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक मार्क सेट किया, इसके बाद हम मार्कर पर जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट मार्क, एडिट मार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइम कोड दिखा रहा है जिस भी ड्यूरेशन में वो है और कमेंट्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे सिंपली हमने इस तरह से लिख के ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे वो कमेंट लिख के आ गया है। इसके बाद आता है क्लियर मार्क, क्लियर मार्क है दो ऑप्शन है कर्सर और ऑल। कर्सर पर क्लिक करेंगे तो जो कर्सर पर मार्क है वो हट जाएगा। इसके बाद आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मार्क यहाँ पे मार्कर लगे हुए हैं मार्क लगे हुए हैं सब हट जाएंगे। इन ऑप्शंस का कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है। सो क्लिप मार्कर्स प्लेयर और टाइमलाइन, प्लेयर में और टाइमलाइन में मार्कर दिखाने के लिए ये आप यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं मोड पे, ट्रिमिंग मोड, इस पर क्लिक करके आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टी कैम मोड, आप F8 प्रेस करके मल्टी कैमरा अगर आपके यूज़ हो रहे हैं, एक से ज़्यादा कैमरा अगर ऑनलाइन वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप एक से ज़्यादा कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मल्टी कैम मोड ओपन कर सकते हैं।
इस तरह। इसके बाद आता है नंबर ऑफ कैमरास, आपके कितने कैमरा यूज़ हो रहे हैं, 2+ मास्टर, 3+ मास्टर, 4, 5। इसके बाद है सिंक्रोनाइज पॉइंट, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, ये सब ऑनलाइन के लिए ज़्यादा यूज़ है। ओवरराइड कट पॉइंट, कंप्रेस टू अ सिंगल ट्रैक, अगर आप एक सिंगल ट्रैक में कंप्रेस करना चाहते हैं सारे ट्रैक को तो यहाँ कंप्रेस कर सकते हैं। व्यू मल्टी कैम, यहाँ मल्टी कैम में व्यू देख सकते हैं आप क्या क्या देखना चाहते हैं। अप्लाई वीडियो फिल्टर, अगर वीडियो फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं मल्टी कैम में। डिस्प्ले ट्रैक नेम, डिस्प्ले ओनली द सिलेक्टेड, कैमरा ऑन, फुल स्क्रीन प्रीव्यू, ऑटो, इस तरह से कई सारे ऑप्शन हैं, इनका यूज़ हाई लेवल पे हम करेंगे। इसके बाद आता है कैप्चर, कैप्चर में यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारे इसमें कोई ऑडियो या वीडियो डिवाइस यूज़ नहीं हो रही है, कोई भी हमारा वेबकैम या फिर ऑडियो डिवाइस कोई भी यूज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन अभी बंद हैं। इनका यूज़ करके आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं, बैच में कैप्चर कर सकते हैं आप, और वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो चल रहा है आप उसके ऊपर से ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वॉइस ओवर करके ऑडियो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेंडर, रेंडर में है रेंडर एंटायर प्रोजेक्ट, अगर आप एंटायर प्रोजेक्ट को रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। रेंडर सीक्वेंस, अगर आप कोई सीक्वेंस रेंडर करना चाहते हैं जैसे सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेंडर इन आउट पॉइंट, अगर आप इन आउट पॉइंट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप रेंडर करना चाहते हैं इन आउट पॉइंट तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। रेंडर सेलेक्टेड क्लिप / ट्रांजिशन, अगर आप सेलेक्टेड क्लिप या ट्रांजिशन रेंडर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। रेंडर एंड एड टू टाइमलाइन, अगर आप यहाँ से रेंडर करके और इस टाइमलाइन में उसको वीडियो लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। डिलीट टेम्प्रेरी रेंडर फाइल्स, जो टेम्प्रेरी रेंडर फाइल्स हैं, अगर कोई रेंडर फाइल्स टेम्प्रेरी रेंडर हुआ है तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके एक ऑप्शन है यहाँ पे, दो बार राइट क्लिक करके आप सीक्वेंस के नेम चेंज कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट जब नीचे की तरफ आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। टूल्स में है डिस्क बर्नर, जिसका हम यूज़ पहले कर चुके हैं DVD राइट करने के लिए, MPEG TS राइटर, इसका भी हम इसका कोई ज़्यादा यूज़ हम करते हैं नहीं। इसके बाद है मिंक, इसका भी कोई ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं। इसके बाद सेटिंग है सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में जाके आप काफ़ी सारे ऑप्शन अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कलर करेक्शन में, अगर प्राइमरी कलर करेक्शन में कोई भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लगइन कोई ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे ऐड हो जाएं तो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करके यहाँ से आपके जहाँ भी वो प्लगइन है वहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई करके ओके करेंगे तो वो इधर इफेक्ट में ऐड हो जाएंगे। इंपोर्टर एक्सपोर्टर प्लगइन, अगर आप कोई और प्लगइन भी ऐड करना चाहते हैं, आपके पास कोई नया प्लगइन है तो आप ऐड कर सकते हैं सेम चीज़ करके। इनका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, नॉर्मल जो हम वीडियो एडिटिंग करते हैं उसमें कोई ज़्यादा इतना यूज़ है नहीं इनका। हाँ, कभी अगर आपके पास कोई नए इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से, चाहे आपके पास इफ़ेक्ट हो चाहे आपके पास कोई नया कोडेक हो तो उसको आप सिंपली ऐड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट कंट्रोलर, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं हैं क्योंकि इनको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इसको कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, फ़िलहाल हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद है यूज़र सेटिंग, यूज़र सेटिंग में आप देखेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था मान लीजिए ये दो वीडियो फुटेज हैं, इनको प्ले करेंगे
यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक के बाद डायरेक्ट दूसरा आ जा रहा है। आप चाहते हैं कि इस बीच में कोई इफेक्ट लग जाए कि ये स्मूथ आए या फिर कुछ ऊपर से नीचे से इस तरह से आए, तो सिंपली इफेक्ट में जाके काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, इन पर आप कोई भी ले सकते हैं, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब ये बताया था तो इस तरह से ये अप्लाई नहीं हो रहा था। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, यूज़र सेटिंग में जाना है, इसके बाद आपको टाइमलाइन में जाना है और यहाँ पे जो एक्सटेंड क्लिप्स व्हेन अप्लाइंग ट्रांजिशन क्रॉस फेड, ये जो बॉक्स है यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो आपके उसमें है, फ़िलहाल मेरे उसमें तो मैंने अनचेक किया हुआ है, आपके उसमें ये चेक होगा तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। इस राइट साइन को यहाँ पर क्लिक करके आप हटा सकते हैं, जैसे अभी ये चेक है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा के अप्लाई करके ओके कर दीजिए तो ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए ये मिडल में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें सेटिंग में जाके, यूज़र सेटिंग में जाके टाइमलाइन में फर्स्ट जो ऑप्शन है ये एप्लीकेशन के अंदर होगा, इस तरह से आप इसको ओपन करके एप्लीकेशन में नीचे सबसे नीचे टाइमलाइन में जाके इस पर अनचेक करके अप्लाई और ओके करके इस तरह से आप बीच में इफेक्ट डाल सकते हैं, अभी स्मूथली आएगा। आप अगर यहाँ पर कोई और इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप और इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर इफेक्ट हैं जिनका आप दो क्लिप के बीच में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। यूज़र सेटिंग में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, प्रीव्यू, मॉनिटर, ऑटो, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, अगर आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सीक्वेंस टाइम कोड, लेबल, स्टेटस, इस तरह से डिस्प्ले में आपको कोई और चीज़ चेंजेस चाहिए जो आपकी डिस्प्ले है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ओवरले, प्लेबैक में कोई चेंजेस, यूज़र इंटरफेस में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे बिन में आप कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बटन में आप कोई ऐड करना चाहते हैं इस तरह से, सेट इन पॉइंट, सेट आउट पॉइंट, जैसे ये ऑलरेडी एडेड है, कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं, शो टाइम कोड, प्लेयर, करंट इन आउट, ड्यूरेशन, टोटल, आप इसका यूज़ कहाँ पर होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे चेक हैं और ये करंट इन आउट ड्यूरेशन टोटल ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेक करेंगे तो सारे शो होने लगेंगे। इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट आप असाइन करना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं कोई शॉर्टकट तो यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके बाद है विंडो कलर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इस तरह का विंडो कलर रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप विंडो कलर रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके सेम चीज़ वो आ जाएगा, आप चाहते हैं कि इस तरह का विंडो कलर आए अप्लाई, ओके, तो इस तरह से विंडो का कलर चेंज हो जाएगा, काफ़ी अच्छा कलर है, आप चाहें तो इस तरह से भी विंडो का कलर रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि सेम पहले वाला ही कलर आ जाए तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके अप्लाई, ओके, यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद है सोर्स ऑटोमेटिक करेक्शन, अगर सोर्स की बात करें, ड्यूरेशन, पार्टियल ट्रांसफ़र, रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप, रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप में आप देखिए अगर आप कोई क्लिप रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो उसे रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, पार्टियल ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक करेक्शन, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट सेटिंग, आप यहां से प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं
प्रोजेक्ट इस सेटिंग पे हो तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 720p पे 1280x 720 25p पे चले, तो यहाँ पे सिंपली उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए चेंज करंट सेटिंग, आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं ये लास्ट फर्स्ट में ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आके भी अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो ओके कर लेते हैं। इसके बाद है सीक्वेंस सेटिंग, अगर आप सीक्वेंस में कोई सेटिंग करना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बता रहा था, अगर आप चाहते हैं कि जो सीक्वेंस वन है इसका सीक्वेंस टू आएगा, अभी ये चेंज किया हुआ है तो इसलिए एच जे लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर कोई और नाम लिखा हुआ है तो आप सिंपली वो यहाँ पर टाइप करके ओके कीजिए, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट कीजिए उस सीक्वेंस को, दो बार राइट क्लिक करके इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप कीजिए, इस तरह से आप एंटर करके यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग में चेंज प्रोफाइल है, अगर आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिंगल प्रोफाइल है तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर और काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते थे। हेल्प में ये है, अगर आपको कोई किसी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इसका कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि हेल्प अगर आदमी को चाहिए तो वो यूट्यूब पर देखे काफ़ी हेल्प ले सकता है, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऑनलाइन सारी चीज़ें चलेंगी। अगर आप हेल्प पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन लेके जाएगा और वहाँ से सर्च करके आपको बताएगा, सेम चीज़ आप ऑलरेडी कर सकते हैं इस तरह से, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम दूसरी लेआउट में दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बिन फोल्डर और इफेक्ट का ये फोल्डर है, तो बिन में हम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो फुटेज जो हैं ऑलरेडी हैं जो हम पहले ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करके ऐड फाइल भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड फाइल, या फिर आप चाहते हैं डबल क्लिक करके और इस तरह से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका मैं यूज़ बता चुका हूँ आपको पहले भी, ये शॉर्टकट हैं, मैंने इधर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, सेम चीज़ें काफ़ी यहाँ पर भी हैं, जैसे ऐड टाइटल, अगर आप कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं सेम चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, फिलहाल अभी इसको कुछ नहीं बताया। तो राइट क्लिक करके हम देखेंगे न्यू क्लिप, न्यू क्लिप में हम देखेंगे कलर बार्स, कलर मैटे, क्विक टाइटलर, ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। न्यू सीक्वेंस आप लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे पहले बताया था, यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस ले सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट, अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं कलर नेम के हिसाब से, क्लिप नेम, क्लिप कलर, क्लिप टाइप, स्टार्ट टाइम कोड, एंड टाइम कोड, इसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू में आप जाएंगे तो क्लिप, थंबनेल, टाइल डिटेल आइकन, गो में रूट फोल्डर, इसका कोई ज़्यादा यूज़ है, लास्ट दो ऑप्शन का कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए फोल्डर, एक जो फोल्डर बना हुआ है रूट, ये जड़ है, यहाँ से आप इसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा, इसको आप नाम दे सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी आप वीडियो फुटेज ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अलग अलग फुटेजेस को, अलग अलग जो फुटेज हैं आपके पास उनको अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक फोल्डर बन के आ जाएगा, और आप चाहते हैं कि रूट के अंदर ही इसके बाद एक और फोल्डर आए तो आप यहाँ पर सिंपली इस तरह से फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद है ओपन फोल्डर, अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर ओपन हो जाए तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फोल्डर पहले से ही ऐड है यहाँ पर जिसमें वीडियो फुटेजेस हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इंपोर्ट, कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। HTML इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, HTML का यूज़ हम बाद में देखेंगे। सर्च, अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं क्लिप नेम के से या फिर किसी भी चीज़ से आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है रीनेम, अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं रूट को तो आप रीनेम कर सकते हैं। डिलीट ऑल करके आप ये सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद है सर्च, वही सेम चीज़ है, ऊपर भी जो शॉर्टकट दिए हुए हैं। ऐड क्लिप, अगर आप कोई क्लिप ऐड करना चाहते हैं टाइमलाइन में, यहाँ पे आप बिन फोल्डर में ऐड करेंगे देन आप टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है टाइटल, अगर आप कोई नया टाइटल ऐड करना चाहते हैं टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है न्यू क्लिप, अगर कोई नई क्लिप जैसे कलर बार्स, कलर मैटिक, क्विक टाइटलर, सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक सेलेक्ट हमने क्लिप कर ली, यहाँ पे आप देखेंगे तो कट, अगर आप इसको कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि कॉपी तो कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट का ऑप्शन ओपन हो गया, इसको पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद है शो इन प्लेयर, अगर आप इसको प्लेयर में शो करना चाहते हैं इस तरह से स्क्रीन पे, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं और प्ले भी करके देख सकते हैं, इसमें आपको टाइमलाइन में ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है डिलीट, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं है। ऐड टू टाइमलाइन प्रॉपर्टीज़, आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इस वीडियो फाइल के अगर आपको वीडियो से लेके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑडियो की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है व्यू, व्यू में आप देखिए क्लिप, थंबनेल, टाइल, डिटेल, आइकन, किस तरह से आप इसको व्यू देखना चाहते हैं, ये जो सारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे थंबनेल के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि टाइल टाइल की तरह इसके बगल में इसकी डिटेल। इसके बाद डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से डिटेल में देख सकते हैं टोटल डिटेल के साथ। इसके बाद है आइकन, अगर कोई आइकन में आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से क्या फाइल है, वीडियो, कलर बार्स, इसके बाद टाइटल है, साउंड ट्रैक है, इमेज है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल क्लिप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद है टूल्स, टूल्स में सेम चीज़ है, इसका डिस्क बर्नर का यूज़ हम कर चुके हैं, बाकी दो इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसको हम अभी छोड़ दें। इस तरह से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।